हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कवर करने वाले इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ का मैच, जो शानदार सीरीज जा रहा है अपने लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक इस सीरीज में सिर्फ 2-3 मैच हुए हैं और टोटली मैच हमने क्लीन स्वीप कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मैं 2-2 दिन पे वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। देखिए कल का जो मैच था, एक मिनट दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कल का ये मैच था, यहाँ पे आप लोग देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के बाद 6, 7, 8, देखिए यहाँ पे 8 प्लेयर्स ड्रीम टीम में आए हैं। और मैंने 8 प्लेयर्स की आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी कि आप लोग अगर GL कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इन 8 प्लेयर्स को लेके जाएंगे। बाकी बात रहा 3 प्लेयर का, तो आप लोगों को 2-3 प्लेयर अपने से चेंज करना है। मतलब अगर आप लोग 3-4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3-3 प्लेयर हर एक टीम में चेंज करते हैं, तो श्योर एक दिन आपका GL जरूर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कल आपको कैप्टन वॉइस कैप्टन भी बता दिया था कि कैप्टन मयंक अग्रवाल, वॉइस कैप्टन लोकेश राहुल। जैसा कि बात करता हूँ, हमने टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट होकर आपको दिखाते हैं कि जो मैंने GL की कॉम्बिनेशन दी थी, क्या वो GL की कॉम्बिनेशन रियल में चली थी यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमने GL कॉम्बिनेशन में बताया था आपको, मयंक अग्रवाल कैप्टन, वॉइस कैप्टन KL राहुल, ये टीम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की, ग्रैंड लीग में टॉप 10 में ये टीम आई। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं वीडियो में बताता हूँ कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क करता है। बस आपको 2-3 प्लेयर चेंज कर देना रहता है। मुद्दे की बात करें तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज मैच कवर करने वाले हैं, और इसमें भी आपको ग्रैंड लीग की कुछ कॉम्बिनेशन दूंगा। देखिए मैं आपको 7-8 प्लेयर के बारे में बता दूंगा, वो श्योर ड्रीम टीम में आने वाली है। तो आप हर टीम में उस 7-8 प्लेयर को लेके अपनी टीम बना के GL में जरूर जाइएगा, जरूर ही ट्राई कीजिएगा। हो सकता है अगर आपका लक बढ़िया हो तो आज आपके ड्रीम 11 वॉलेट में इतना अमाउंट आ सकता है जितना आपके स्क्रीन के सामने अभी रीडायरेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम इंट्रो स्किप करते हैं और रिडायरेक्ट होते हैं मैच में। तो मैच देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ बनाम इंग्लैंड वुमेंस। देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या जो मैं वुमेंस की एनालिसिस करता हूँ, क्या मैं जो वुमेंस की टीम देता हूँ वो रियली में वर्क करती है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ वीडियो कवर करते हैं, मैच कवर करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि भैया मैं एक्सपर्ट हूँ। तो क्या वो रियली में एक्सपर्ट होते हैं? क्या जो मैं इस वीडियो में बात बोल रहा हूँ, क्या जो इस वीडियो में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो रियल है या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? जी हाँ, ये दिखावे की दुनिया है, यहाँ कोई भी कुछ भी सिर्फ बोलता है, उसके अंदर कुछ भी रहता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट दिखा देना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वुमेन बनाम न्यूजीलैंड वुमेन का ये मैच था। कल के डेट में इसका भी एनालिसिस मैं नहीं कर पाया था टाइम की कमी को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर ड्रीम इलेवन खेलते हैं, अगर आप एक पुराने प्लेयर तो आपको पता होगा यहाँ पे 4 मेंबर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन हाई होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन 4 मेंबर वाले लीग्स में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट, रिजल्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रिजल्ट हमेशा आता है। हमारे लिए कुछ नई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए नई बात हो, तो ऐसा रिजल्ट आप भी चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम से जाना, तो जाए टेलीग्राम पर सर्च करें फैंटेसी बाई आशीष। आप जैसे टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे फैंटेसी बाई आशीष, कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो लगी आ जाएगी, आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन सारे लीग्स बहुत ही बड़े पॉइंट डिफरेंस से हमने विन कर लिया था, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। देखिए आप अपने स्क्रीन पे, यही है सच, सिर्फ मैंने एक टीम बनाया है। यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो 10-20 कॉम्बिनेशन बना देते हैं, सॉरी 5-10, मतलब मैक्स 11 टीम बनती है, वो 10 टीम बना देंगे, 10 टीम में जो सबसे बढ़िया टीम चलेगी उसका फोटो क्लिक कर लेंगे, बोलेंगे ये देखिए ये है मेरी टीम। तो वो सच नहीं होता है, सच आपके स्क्रीन के सामने है लाइव। मैं कोई भी यूट्यूब वाला, कोई भी टेलीग्राम चैनल वाला लाइव अपना ड्रीम इलेवन अकाउंट खोल के नहीं दिखाता है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक ही टीम बनाया था मैंने, एक ही टीम से क्लीन स्वीप हुआ है, हमेशा एक ही टीम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे
सात आठ प्लेयर हमेशा हमेशा ड्रीम टीम से ही मिलेगा। तो चलिए मैच की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज वोमेन बनाम इंग्लैंड वोमेन्स। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोगों को मैच के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। फोर्थ T20 मैच है जो 28 सितंबर 2020 को होने वाला है। इस पिच की, इस जो ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड का एनालिसिस आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में रखना है कि कितना स्कोर बनेगा, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। देखिए जो हमारी फाइनल टीम होगी इस वीडियो में नहीं मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग में 156 रन बना है, यानी कि यहाँ पे अगर इंग्लैंड वोमेन बैटिंग करती है पहले में, शुरुआत में ओपनिंग करती है, फर्स्ट इनिंग खेलती है, तो वो तकरीबन 150 रन मार पाएगी। लेकिन यही वेस्ट इंडीज वोमेन खेलेगी तो तकरीबन 100-110 के अंदर ढेर हो जाएगी। एवरेज सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में सिर्फ 118 रन बना है यहाँ पे वेस्ट इंडीज वोमेन की बात करें तो अभी तक चार मैच हुआ है, चारों मैच इंग्लैंड ने वन साइडेड विन किया है और चारों मैच वेस्ट इंडीज ने वन साइडेड लॉस्ट किया है। तो इस मैच में भी आपको शानदार कॉम्बिनेशन देने वाला हूं कि आप लोगों को कैसा टीम बनाना है, कैसा नहीं, मैं कवर करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो हो जाए। स्क्वाड की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है स्क्वाड क्या होने वाला है, प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, टोटली आप सभी लोगों के स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है। मैच की बात करें तो चलिए सबसे पहले आपको मैं कॉम्बिनेशन बता देना चाहता हूं। ये वीडियो का मेन मकसद है कॉम्बिनेशन, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्मॉल लीग की टीम तो सब कुछ, सब मतलब बहुत सारे लोग बना लेते हैं, अच्छे आप भी बना लेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग हमेशा मेरी टीम से जाए, मैं ये बोलता हूं कि थोड़े से मेरे वीडियो को देखे, थोड़े से मेरे एनालिसिस को देखे, उसके बाद आप लोग दो तीन चेंज करें फिर जाए। हमेशा मेरी टीम कॉपी पेस्ट आप लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा विन कर पाएंगे, मेरा नहीं किसी का भी, किसी भी यूट्यूब चैनल का, किसी भी टेलीग्राम चैनल का। मुझे नहीं पता आप मेरे टीम से जाएंगे या नहीं जाएंगे, फ्यूचर में आप किसी भी टीम के साथ जाए तो कॉपी ना करें, थोड़ा सा अपना कॉम्बिनेशन लगाए। यहाँ पे विकेट कीपर की बात करें तो यहाँ पे जोनस 5 नंबर पे आने वाली है और वेस्ट इंडीज की ये ओपनर। देखिए सबसे पहले मैं आपको ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बता देना चाहता हूँ, इसके बाद स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन बनाऊँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन बनाना सिखाता हूँ कि देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिमाग में एक मैच का मतलब समझिए, एक्सपेक्टेशन करना है कि इस मैच में क्या होने वाला है। तो आपको अगर लगता है, चलिए हम एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन करते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये करते हैं मैच के बारे में कि वेस्ट इंडीज वोमेन ओपनिंग करेगी और वो टीम टोटली ऑल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको कॉम्बिनेशन कैसे बना लेना है। सबसे पहले आपको पता करना है कि जो पिच है वो किसको सपोर्ट कर रही है, बॉलर को या बैट्समैन को। तो अगर आपको लगता है कि बॉलर को सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप इंग्लैंड के जो बॉलर्स है उनको ले लेना है। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलर्स अरे एन सिल्वर के फ्रंट देखें, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 ये हो गई 5 इंग्लैंड की मेन बॉलर्स। तो अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑल आउट होती है तो 10 विकेट का जो पॉइंट होता है, जो 10 विकेट का पॉइंट होता है यही बॉलर ले जाने वाली है। तो ये आपकी टीम में आ गई, तो टोटली 1 2 3 4 5 5 प्लेयर ऑटोमेटिक आपके ड्रीम टीम में। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और अगर इंग्लैंड वोमेन की टीम वेस्ट इंडीज वोमेन्स को ऑल आउट करेगी तो सिंपल है कि कोई भी वेस्ट इंडीज वोमेन की प्लेयर बैट्समैन में ड्रीम टीम में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे तभी भी ये ओपनर्स है, ये ओपनर अगर मतलब जैसे कि ये ओपनिंग आ रही है, तो ये ओपनिंग आ रही है तो सबसे ज़्यादा चांस है इसका, अगर ये 10 रन भी मार देती है तो ये ड्रीम टीम में आ जाएगी। क्योंकि अगर ए जोनस की बैटिंग ही नहीं आती है और एस कैम्बल 10 रन या 5 रन भी मार देती है तो ये आसानी से ड्रीम टीम में आ जाएगी। इसीलिए विकेट कीपर में वेस्ट इंडीज वोमेन की विकेट कीपर को आप लोग को लेना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओपनर कौन आती है, एच नाइट, और यहाँ पे डी वॉट, देखिए आपको यहाँ पे सिंपली ले लेना है यहाँ से। और तो देखिए आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कम से कम आप सभी लोगों को 1 2 3 1 मिनट
कम से कम आपको 6-4 का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, यानी कि आपको 4 प्लेयर वेस्ट इंडीज़ से लेने ही लेने हैं, तो एक विकेट कीपर और एक डी डॉटिन कोई फाइनल ड्रीम टीम में रहने वाली है। और इधर से आप लोग को ओपनर्स में सेलेक्ट करना है कि डी वॉट चलेगी या टी ब्यूटमेंट चलेगी या एफ विल्सन तो ऐसे खेल नहीं रही, और आपको एक वेस्ट इंडीज़ का भी बॉलर ले लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इंग्लैंड का एक भी विकेट ना गिरे, एक विकेट तो गिरेगा ही, तो आपको इसी प्रकार से टीम बना लेना है। देखिए मैं आपको ग्रैंड लीग की प्लेयर बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सा प्लेयर है जो जीएल में रहने वाला है। आप इस मैच के बाद इस वीडियो को आके एक बार जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले बताता हूँ, 1, 2, 3, 4 देखिए मैंने आपको 7 प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, 7 प्लेयर ग्रैंड लीग में रहने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग जीएल कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो इन्हीं 7 प्लेयर को लेके बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, क्योंकि इंटरेस्टिंग विनिंग और फाइनल अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही देते हैं। यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा फैंटेसी बाई आशीष, जैसे फैंटेसी बाई आशीष सर्च करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा। तो यही था एक इंटरेस्टिंग वीडियो, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जीएल के टीम जीएल के प्लेयर्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।